तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम SSCGL के लिए GS और GK का मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और SSC के जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उसी पे बेस्ड है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, तो उसका क्या मतलब था। इसका मतलब था कि भारत को डोमिनियन देना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये निम्न वर्गों में पृथक निर्वाचन क्षेत्र। लेकिन इसका जो दोनों मतलब था वो था कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण भी देना था और साथ ही में इसमें क्या करना था, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण के साथ साथ उसको निर्वाचन के लिए भी किया गया था, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर फुटबॉल, जो कि न्यूक्लियर फुटबॉल है, किस से संबंधित है। न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है। तो न्यूक्लियर जो फुटबॉल है ना, ये किस देश से संबंधित है चर्चा में रहा है, तो ये हमारे फ्रांस से संबंधित है। किससे, फ्रांस से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये इसमें करंट अफेयर कंप्यूटर हर एक क्वेश्चन ऐड होगा, ठीक है, जो लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो किसके द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो CPU द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CPU राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो किस भारतीय खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है गोल्डन हैट्रिक। तो गोल्डन हैट्रिक नामक आत्मकथा किसने लिखी है। तो गोल्डन हैट्रिक आत्मकथा हमारे किस की है, ये आपको बताना है। बलबीर सिंह, अजीत पाल सिंह, मोहम्मद सईद, सुरजीत सिंह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबीर सिंह। जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं बलबीर सिंह, उनके द्वारा गोल्डन हैट्रिक नामक बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आइडल्स पुस्तक है ये हमारे किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है। तो उनका नाम है सुनील गावस्कर, ठीक है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आइडल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स है कि हाल ही में जो जुलाई 2021 में जारी ICMR के चौथे सेरोलॉजी सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक COVID-19 जीरो प्रसार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा COVID-19 का प्रसार किस राज्य में हुआ है, तो वो राज्य हमारा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा COVID-19 का प्रसार हुआ है, ठीक है, जीरो प्रसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन था, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है भारतीय इकोनॉमी में GDP में वो हमारी टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व हैं वो प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा GDP की बात करें तो GDP में जो सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं वो टर्सरी सेक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से किस में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान संशोधन है वो भारत के 368वें संविधान आर्टिकल नंबर में दिया गया है और भाग हमारा 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना गया। तो चिकित्सा शास्त्र की बात करें, ठीक है, तो इसका जो जनक है उसको हिप्पोक्रेटस की बात को करा जाता है और जितने भी चिकित्सक होते हैं डॉक्टर्स होते हैं उनको ना हिप्पोक्रेटस की शपथ भी दिलाई जाती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों के जो वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले डोबर राइनर ने त्रिक नियम दिया था, ट्रिपल, ठीक है, इसका नियम दिया था। लेकिन अगर बात करें अवर्त सारणी की तो सबसे पहले न्यूलैंड ने बनाई थी। तो जो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डोबर राइनर के साथ जाएंगे। इन तत्वों का वर्गीकरण पूछा गया तो डोबर राइनर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी चुंबकन के लिए किस स्थिति में किया जाता है। तो स्थायी चुंबकन ये SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके लिए हमको स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो स्टील स्थायी चुंबक के लिए, अस्थायी के लिए कच्चा लोहा यानी पेट्रोल लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रफल के आधार पर भारत में जो मिट्टी का क्रम है, देखिए आप ये देख सकते हैं जो TCS जो पैटर्न पूछ रही है उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है कि जो भारत की मिट्टियों का और वही घटता हुआ क्रम कौन सा। तो सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसके बाद लाल मिट्टी, इसके बाद काली, फिर इसके बाद लैटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था किसकी समाप्ति बाद हुआ था। 1746 से बात करें 48 तक तीन कर्नाटक 1705 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया और इसका जो समापन हुआ वो एक्सला चैपल की संधि हुई थी 1748 में, उसी के तहत ही समाप्त हुआ, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शासक कौन था जिन्हें राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो वो शासक था सम्राट अशोक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38 डिग्री जो समांतर रेखा है किस देशों के मध्य स्थित है। तो 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है वो किन देशों के मध्य स्थित है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। ठीक है, ऐसे ऊपर उत्तरी कोरिया, ये 38 लाइन है, इसके बाद नीचे दक्षिण कोरिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो जो सोनपुर बिहार है ना, इस पर सबसे ज़्यादा भारत का पशु मेला लगता है। सबसे बड़ा पशु मेले की बात करें तो भारत में ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं भारत में कि भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। तो जो कैलाशनाथ मंदिर है ना महाराष्ट्र में, वही भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि पढ़े भारत अभियान किसने शुरू किया। तो हमारे जो भारत के जिस समय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हीं के द्वारा पढ़े भारत अभियान को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज पेरिस बर्निंग पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए डीसीएस ऐसे ही बुक्स के नाम पूछ रहा, ऑथर्स के नाम, तो बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, इनको याद रखिएगा आप। तो इज पेरिस बर्निंग पुस्तक के लेखक की बात करें तो लेपियर और कॉलिंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआईएस में जी का मतलब क्या होता है। तो जीआईएस में जी का मतलब है जियोग्राफिक इनिशिएटिव सिस्टम। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो सप्तरथ मतलब सातरथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से कि हाल ही में जो रॉस टेलर ने भारतीय राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया वो किस देश के हैं। तो रॉस टेलर आपको पता ही होगा कि न्यूजीलैंड के बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज थे। ठीक है, तो इन्होंने अभी टेस्ट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ये संगीत से, देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में कि निम्न में से कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य नहीं है। तो कौन सा भारतीय का संगीत नहीं है, तो ताऊस है, स्वरमंडल है और रबाब भी है, लेकिन संवादनी जो है ये संगीत वाद्य नहीं है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहा है, आपको पता ही होगा जिन लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। देखिए एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, नृत्य से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति उनका भरतनाट्यम संबंधित है। तो क्वेश्चन हम फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।